विभाग के अधिकारी हैं, समाज कल्याण विभाग के अंदर में बच्चों को क्या क्या सुविधा मिलती है? बच्चों को एक तो खाने की पूरी जो भी मेनू के अकॉर्डिंग उनको भोजन दिया जाता है, प्लस उनको कपड़े, जूते और स्वेटर और उनको तेल, साबुन और बाल कटने के पैसे वगैरह, उनको सारा पैसा वगैरह मुहैया करवाया जाता है। ये कपड़े और ये कब, जूते वगैरह कब दिए जाते हैं मैडम? सर, ये जूते और जो कपड़े हैं उनके स्कूल ड्रेस, वो हम जुलाई अगस्त तक वैसे तो प्रोवाइड करवा देते हैं, परंतु इस बार जो है जयपुर निदेशालय से आदेश प्राप्त नहीं हुए थे, तो वो जयपुर ने अब की बार टेंडर करवा दिया है, जो अभी दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट तक हो जाएगा। अच्छा, समाज कल्याण के बच्चों का कहना है कि नहीं उनको जूते मिलते हैं, नहीं उनको स्वेटर मिला है, नहीं कंबल वगैरह मिलता है, नहीं टॉवल मिलता है, और अभी सर्दी आ गई है मैम, स्वेटर बटने का टाइम और उनको कपड़े तक नहीं मिले। हाँ, तो इस बार जो हमें हमेशा हर साल ये प्रॉब्लम नहीं आई है, वो इसी साल प्रॉब्लम आई है, क्योंकि इस साल जो है वो जयपुर निदेशालय की तरफ से कपड़े और जूते आने के थे, लेकिन वो अभी उन्होंने टेंडर कर दिया है, जो दिसंबर लास्ट और जनवरी तक आने की संभावना है, पूर्णतः हम उनको उपलब्ध करवा देंगे। आपको नहीं लगता मैम पूरा सत्र पूर्ण होने आया और अब इनको जूते मिलेंगे, कहीं ना कहीं इन बच्चों के जो मिलने वाली सुविधा है उन पे डकार टाइप हो रहा है? हाँ, हम खुद भी इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे पूरा, और अभी तक हम प्रयास कर ही रहे हैं, बट अभी जो वहाँ से जब तक हमारे पास आदेश प्राप्त नहीं होंगे, तो हम भी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, दूसरा, बच्चों ने कहा पानी की सुविधा नहीं है छात्रावास के अंदर में, वो 1 किलोमीटर दूर नहाने के लिए जाते हैं। सर, वो पानी की सुविधा तो पूरे जो दानपुर क्षेत्र में, जहाँ पर हमारा हॉस्टल अभी है वर्तमान में, वहाँ पर पूरे एरिया में पानी की प्रॉब्लम्स चल रही है, जहाँ पर 2 या 3 दिन में पानी आता है। गर्मियों में हम टैंकर की व्यवस्था करवाते हैं, हमारे हॉस्टल में वैसे तो एक मोटर खुदी हुई है और हेडपम्प भी लगा हुआ है, जहाँ से अगर उससे भी पानी ये 2-3 दिन में नहीं आ पाता है, तब जाके बच्चे जो हैं वो 1 किलोमीटर दूर जाके तालाब में जाकर नहाते हैं। बाकी गर्मियों में अगर पानी की बहुत ज़्यादा वो होती है, तो हम टैंकर हमेशा 1-2 दिन में उनको उपलब्ध करवाते हैं। अच्छा, बच्चों ने कभी डिमांड रखी है आपके सामने कि हमको कपड़े वगैरह नहीं मिलते, चप्पल? हाँ जी, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आई थी मेरे पास, जो मैंने DLO सर को फॉरवर्ड कर दी थी बांसवाड़ा में, उनकी तरफ से भी यही था कि हमारे पास अभी तक कोई आदेश नहीं आया था इन बच्चों को जूते और कपड़े दिलवाने के लिए, जो हमने जयपुर डिमांड बता दिया था कि इनको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो जो है उसके अकॉर्डिंग जयपुर वालों ने अभी टेंडर जारी किए हैं अब जाके अक्टूबर नवम्बर में। सरकार बच्चों के लिए देखरेख के लिए करोड़ों रुपए खर्च करी है, लेकिन उस छात्रावास में पानी की सुविधा नहीं होना कहीं ना कहीं लाजमी नहीं है? सर, पानी के लिए हमने खुद भी आके प्रयास किया है, हमने मोटर और ट्यूबवेल भी खुदवाई थी, जो 200 मीटर तक पानी नहीं आ पाया वहाँ पर, और जो पानी की जो समस्या है वो हम, हमारी तरफ से पूरी कोशिश करी, हमने मोटर भी वहाँ पे लगवाई है हमने इन 2 सालों में, और उसके बावजूद पहले से एक हेडपम्प भी उपलब्ध है, बट पानी का जो है वो वहाँ पर पूरे एरिया में ही पानी नहीं है, तो हम उसके लिए हम जितना हमारी तरफ से जितना प्रयास हो सकता था उतना हमने किया है हमेशा।